हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एमएमएस व्लॉग्स। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। एक बार फिर से अपना स्वागत करेंगे आफ्ताब भाई का अपने चैनल के ऊपर। आफ्ताब भाई, इस वीडियो में अपन जो है कवर करने वाले हैं पर्शियन कैट्स ना। जी जी, पर्शियन कैट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इनके पास में कौन से जो है कैट्स है, पर्शियन कैट्स किटन्स जो भी है वो सारी जो है इस वीडियो में कवर करेंगे और इनका क्या प्राइस है वो भी जो है आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरी पूरी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, सही है, फटाफट बताते हैं आपको। अरे आफ्ताब भाई, तो ये कौन सी किटन है अपने पास में? ये पर्शियन कैट है, डॉल फेस बोलते हैं इसको। डॉल फेस, ये 42 डेज का है। 42 डेज की है, माशाल्लाह बहुत क्यूट है। और क्या कलर है इसका? ये ग्रे कलर है। ग्रे कलर में, वाइट है, फेस वाइट में है, सही है, बहुत क्यूट है। बाकी ये पर्शियन कैट बहुत अच्छे। ओके, तो कितने डेज हो गए अभी इसको? 42 डेज हो चुके हैं। ऑलराइट, तो ये गाइस ये 42 डेज की है। तो इनका क्या प्राइस कोट कर रहे हो आप? 6000 रुपया है। ओके, प्राइस नेगोशिएबल है? नहीं, फाइनल प्राइस है 6000 रुपीज फाइनल प्राइस है, इससे नीचे नहीं होगा। ये कौन सा है, डॉल फेस है, सेमी डॉल? डॉल फेस है। डॉल फेस की है ये। ओके, प्योर ब्रीड है। प्योर ब्रीड, प्योर ब्रीड की है ये। ओके, जो सिंगल कोट डबल कोट बोलते हैं वो क्या है इसमें? डबल कोट की हैवी बोन भी कुछ बोलते हैं, हैवी बोन है ये। मतलब एक बार दिखा सकते हैं अपन वीडियो में, 42 डेज की है। हाँ 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 हाँ, माशाल्लाह बच्चा बहुत ही क्यूट है। ओके, और कौन से अपने पास में किटन्स? सब पर्शियन कैट ही है। ओके, सब के सब पर्शियन है। ओके, ये सेम लीटर के है? ओके, सो ये प्योर ब्लैक है ना ये? प्योर ब्लैक। ओके, तो क्या प्राइस कोट कर रहे हो? रेयर कलर है, राइट, बहुत रेयर में, रेयर पीस है, बराबर। मेरे पास और आए हुए हैं। हाँ हाँ, ये वाइट एंड गोल्डन का फेडेड है। वाइट एंड गोल्डन, ओके, बहुत क्यूट है, डॉल फेस है, करेक्ट है, थोड़ा महंगी है। अच्छा, क्या प्राइस कोट कर रहे हो आप इसका? 8000 रुपीज़ की है। क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। क्वालिटी ना, हाँ क्वालिटी तो लग रही है यार, एक नंबर है। एक मिनट ऐसे ही पकड़ के रखो उसको, एक फ़ोटो भी ले लेता हूँ। पापा इधर देख बेटा, ठीक है। तो इनका क्या प्राइस कोट कर रहे हो आप? 8000 रुपया। ओके, कितने मंथ्स की है ये? तो बड़ी दिख रही है मुझे। 2 महीने की है। कितने महीने की? 2 मंथ्स। 2 मंथ्स की है ये, एग्जैक्ट मतलब 2 मंथ्स हो चुके हैं इसको। ओके, सो ये 2 मंथ्स की है। कितना कोट कर रहे हो आप इसका प्राइस? 8000 रुपये। ट्रिपल कोट है, अच्छी क्वालिटी है। ट्रिपल कोट है ये, ओके, अच्छी क्वालिटी की है, मतलब लग भी रही है, क्वालिटी अच्छी है। और कौन से अपने पास में? ये जिंजर में कौन सी है? गोल्डन कलर में, बच्चे गोल्डन जिंजर बोलते हैं शायद इसको भी। बहुत अच्छा कलर है, बहुत ये, सही है सही है। तो क्या इसका प्राइस कोट कर रहे हो? सेम रेट है, जो ब्लैक का रेट है, ग्रे का रेट है, वो सेम कैटेगरी। क्या 6000 रुपीज़? 6000 रुपीज़ से कम बिल्कुल भी नहीं ना, जो भी है। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपको अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन शिपमेंट के लिए बोलता है तो क्या आप ट्रांसपोर्ट करते हो, शिपमेंट पे भेजते हो? जी, करते हो। शिपमेंट चार्जेस जो है उनको पे करना रहेगा, ठीक है। तो शिपमेंट चार्जेस वो पे कर देंगे तो आप यहाँ से भेज दोगे, ठीक है। सो गाइस, जिस किसी को भी चाहिए, शिपमेंट चार्जेस जो है आप पे करके जो है ले सकते हो। पर्शियन कैट्स का लाइफ स्पैन क्या रहता है? 14 साल की इनका लाइफ स्पैन है। ओके, सो ये सारे जो है एक ही लीटर से बेबीज है, अलग अलग लीटर्स है। ओके आफ्ताब भाई, तो ये जो है वाइट पर्शियन है, तो ये कौन सी है, मतलब मेल है फीमेल है? फीमेल है। ये फीमेल है, ठीक है। तो ये क्या अभी प्रेग्नेंट है? नहीं, ये प्रेग्नेंट नहीं है, बच्चे दी हुई थी, अभी बच्चे से खाली हुई है। ओके, प्रेग्नेंट कराऊंगा अगले महीने में। अच्छा, अगले महीने में, मतलब ये फिर कितने टाइम के बाद में ब्रीड करेगी, ये बच्चे देगी? एक बार बच्ची अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर 3-4 महीने में हो जाते हैं। 3-4 महीने में फिर वो दे देती है? 3 महीने में हो जाते हैं बच्चे। ओके, वो अपने ऊपर है, मैं कभी इसको प्रेग्नेंट करवाना चाहूँ। अच्छा, अभी तो मेरा कोई वो नहीं है, आइडिया नहीं है अभी आपको, मतलब कराना नहीं है अभी आपको। ओके, इसका हेल्थ वाइज देख के कराते हैं, जब मतलब अच्छी हीट पे हो ऐसा कुछ बोलते हैं, हीट पे आएंगे तब कराते हो। ओके, सो गाइज, ये थी एक इनके पर्शियन कैट है जो कि मेल फीमेल है, इसने बच्चे दी थी। तो आपने ऑलरेडी सेल भी कर चुके हैं मैंने सुना, तो सेल भी कर चुके हैं आपने? ओके, तो ये कब, क्या एज है इसकी अभी? ये 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर्स की है। ओके आफ्ताब भाई, तो अभी जो है कैट्स तो आपने बता दिए, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, जैसे कि आप इनको फीड क्या करते हो? फीड तो मैं इसको पर्शियन फीड 32 देता हूँ, रॉयल कैनन का। सबसे अच्छा खाना रॉयल कैनन का ही आता है। ओके, माना जाना खाना है, उसमें प्रोटीन वगैरह बहुत अच्छे रहते हैं। प्रोटीन वगैरह रॉयल कैनन में, हर कोई अगर रॉयल कैनन नहीं खिला सकता, जैसा
मिडिल क्लास है। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग रॉयल कैनिन से भागते हैं, अच्छे अच्छे लोग मतलब हुँ. जो पेट लवर अवॉइड करते हैं, जो पेट लवर प्रॉपर है, अच्छे अच्छा फूड चॉइस करते हैं, वो रॉयल कैनिन ही यूज करते हैं। ओके, बट वही साहब मियाओ भी दे सकते हैं, मियाओ भी बेस्ट फूड है, मियाओ का भी फूड अच्छा रहता है, बहुत अच्छा खाना है। ओके, विस्कस का बहुत अच्छा खाना है, विस्कस का जी, ये सब बाहर से इम्पोर्ट होते हैं खाने। ओके, बहुत अच्छा फूड है, बहुत अच्छा फूड है, राइट, क्योंकि मैंने मियाओ के बारे में बैंगलोर में भी खास डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके साथ में मेरी फ्रेंडशिप है, तो उनका भी मैंने खाना जो है यूज़ किया हुआ है, मतलब कि मेरे फ्रेंड लोग बहुत लोगों ने लिए हुए तो इसके लिए। और जो इनका लाइफ स्पैन रहता है कितना रहता है, एक पर्शियन कैट का लाइफ स्पैन कितना रहता है? पर्शियन कैट और डॉग सेम रहता है, डॉग का भी 14 इयर्स रहता है, पर्शियन कैट का भी 14 इयर्स रहता है। 14 इयर्स, बट लाइफ के लिए तो कुछ बोल नहीं सकते, कभी कोई 6 साल भी जीता है, कोई 10 साल भी जीता है। अच्छा, लाइफ स्पैन 14 इयर्स है। 14 इयर्स, लेकिन इनका जो ये जो वैक्सीनेशन बोलते हैं तो वो आप कराते हो वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन जब भी वो 2-2.5 महीने का हो जाता है तभी वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके वैक्सीन करानी पड़ेगा, वैक्सीनेशन कराना पड़ता है। ओके, जरूरी है। उससे पहला कुछ भी ऐसा कुछ, जैसे कि डॉग्स में होता है पपी डीपी ऐसा कुछ रहता है फर्स्ट वैक्सीनेशन, तो वैसा कुछ रहता है कैट्स में भी? कुछ नहीं रहता, वैसा कुछ नहीं है, 2-2.5 महीने के बाद में एक बार जो डॉक्टर से वेटरनरी डॉक्टर जो रहते हैं, ओके, फिर आप एक बार वेटरनरी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल बता देंगे कभी लाने का है, ओके, कभी डिवॉर्मिंग करने का है। ओके, बिल्ली में मेन रहता है डिवॉर्मिंग, डिवॉर्मिंग करना, पेट में कीड़े वगैरह आ जाते हैं जिसको, हाँ, हेल्थ नहीं बढ़ते, खाना नहीं खाते, पेट में प्रॉब्लम आती है, ओके, खाने में डाइजेस्ट नहीं होती, तो डॉक्टर को एक बार अच्छे से आप दिखा लो। ओके, तो मतलब डॉक्टर के साथ में कंसल्ट कर लेना चाहिए। और ऐसा कुछ सोल्यूशन बताओ के पर्शियन कैट के जैसे बाल झड़ते हैं, शेडिंग होते हैं बाल, तो उनके लिए क्या है ट्रीटमेंट, क्या है आप क्या बताते हो? पर्शियन कैट के बाल झड़ते जैसे बहुत लोग रहते हैं, खाना अच्छा नहीं देते, और बहुत सारे पर्शियन कैट जैसे बॉडी से वीक रहते हैं, उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते बाल, ऐसे तो पर्शियन कैट के बाल झड़ते ही है, जितने झड़ेंगे उतने आएंगे। ओके, ऐसा क्वालिटी वाइज के ऊपर रहता है कैट, अच्छी क्वालिटी लेंगे तो कम झड़ेंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे तो कम झड़ेगा, कम झड़, नमक वाला खाना खिलाएंगे तो बिल्ली को इन्फेक्शन वगैरह होते हैं। अच्छा, नमक वाला खाना खिलाएंगे तो ज़्यादा। और जो बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि बिल्ली को दूध नहीं देना चाहिए पर्शियन को, तो दूध नहीं देना चाहिए? दूध उसके लिए प्रॉब्लम करेगा, पॉइजन, मैंने सुना है कि स्लो पॉइजन के टाइप में काम करता है वो, दूध नहीं देना चाहिए गाइस, जिसके लिए दूध बहुत बेकार है, बहुत ही बेकार है, मतलब खास तौर से पर्शियन के लिए, पर्शियन कैट के लिए। दूध बट कैसे है जो फूड वगैरह आते हैं उनके, हाँ, जो जूनियर के पप्पी फूड रहते हैं उनके थोड़ा मिल्क वगैरह ऐड रहते हैं, हाँ हाँ, तो उनकी क्वांटिटी के हिसाब से वो लोग अपने हिसाब से खाना बनाते हैं। ओके, जो बड़े बड़े कंपनीज है रॉयल कैनिन, मियाओ, विस्कस, ये लोग अपने हिसाब से वो उनपे कितना मिल्क मिलाना है, कितना चिकन, कितना वो हिसाब से वो डालते हैं। ओके, आप प्रॉपर अगर दूध देंगे तो उसका डाइजेस्ट बराबर होएगा नहीं, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, दूध वो जल्दी जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ओके, ऑलराइट गाइस, जो जो पर्शियन के बारे में जो है मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो चीज़ आप लोगों को जाननी थी, वो सारी की सारी बातें मैंने जो है आफ्ताब भाई से आप लोगों को कंफर्म करा दी है, उनको क्या फीड करना चाहिए, क्या प्राइस रेट होता है, और साथ में उनका लाइफ स्पैन क्या रहता है? 14 इयर्स तक का उनका जो है मैक्सिमम रहता है, मैक्सिमम, और भी ज़्यादा, कोई कोई कैट 20 भी जीती है, ऐसा नहीं, अच्छा, कोई कोई कैट 6 इयर्स भी जीती है, अच्छा, बट मैक्सिमम लाइफ उनकी 14 इयर्स ही है, मैक्सिमम लाइफ उनकी 14 इयर्स है, मतलब एवरेज लाइफ बोलते हैं, एवरेज लाइफ, अगर किसी ने केयरिंग अच्छा किया, डीवॉर्मिंग टाइम टू टाइम किया, उनको वैक्सीनेशन किया, 16-14 आराम से रहते, आराम से जाते हैं। तो ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो कि मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अभी इस वीडियो के ऊपर जो है आप लोगों का लाइक मांगता है, सबके साथ में शेयर मांगता है, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? तो आफ्ताब भाई, जो भी है अगर आपको किसी की तरफ से कॉल आते हैं या कॉन्टैक्ट का कुछ भी आता है तो कॉन्टैक्ट करके बता देना क्या प्राइस है, ठीक है जी? आप मेरे को कॉन्टैक्ट करिए, मेरा नंबर नोट करिए, 9004305026, नंबर जो है मैं डिस्प्ले पे भी दे दूंगा, जिन लोगों ने सुन लिया तो वो भी ठीक है, डिस्प्ले पे मिल जाएगा, कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी, तो गाइस करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल दैट टाइम राइट सेफ बी सेफ, रिस्पेक्ट योर मॉम एंड रिस्पेक्ट योर फैमिली एज ऑलवेज, अल्लाह हाफिज़।